नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एहसास हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग घर पे बेसन के चिप्स बनाते हैं। तो बेसन के चिप्स बनाने के लिए हमने इस बेसन में हल्दी, कुटी मिर्ची, नमक स्वादानुसार और अजवाइन डाल के पेस्ट तैयार कर लिया है। और आलू के चिप्स बनाने के लिए ये देखिए, हमने इस आलू को छील के रखा हुआ है, इसे ऐसे कस लेते हैं। छिलके धुल लिया है तो कसने के बाद धुलने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद ये देखिए, इस तरह की चिप्स आ जाती है। ये देखिए दोस्तों, चिप्स कटी हुई है। अब हम इसे पेस्ट में डालते हैं और कढ़ाई में तेल गरम करने के बाद उसमें डाल देते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। हम इसमें ये पेस्ट एक एक चिप्स करके डालना, इसे बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि एक एक चिप्स करके हमें डालना है ताकि ये सब अलग अलग रहे और कुरकुरापन रहे। ये देखिए दोस्तों, ये एक तरफ से फूलने लगे तो हम इसे पलट देते हैं ऐसे, ताकि दूसरी तरफ भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए दोस्तों, ये पूरी पक के तैयार हो चुकी है बेसन की चिप्स। तो हम इसे कढ़ाई से बाहर कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बेसन की चिप्स बनके तैयार है। और बारिश के मौसम में इसे आप शाम को चाय से ले सकते हैं या सॉस से, जिससे आपको पसंद हो। सो दोस्तों, आगे की वीडियो आप ऐसे ही देखते रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।